कमलनाथ तो अपने शुरू से कमलनाथ सही नहीं थे यहाँ पर, वो तो बस एक कुछ महीने की सरकार थी, गिर गई उनकी। उनका कार्यकाल ये रहा जो लोगों ने साइकिल छोड़ी थी चलाने के लिए, आज वो साइकिल उनको खड़ी करवा दी है, फायदा क्या हुआ? आज मैं गरीबों को सब योजनाएं मिल रही, और कांग्रेस के समय में जो भी योजनाएं आती थी पंच सरपंच सचिव जय लोग खा देते। पोस्ट पे सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो किसके राज में ले रहे हैं? आज से पहले कांग्रेस के राज में ये कभी हुआ? बेरोजगारी की समस्या कोई भी सरकार आ जाए खत्म नहीं कर सकती। आज 1 लाख को आप रोजगार दोगे, कल 10 लाख तैयार हो। बेरोजगारी भत्ता आता था पहले पढ़े लिखे लड़कों के लिए, तो सचिव वगैरह खा जाते थे, आधा ही मिलता था। तो आप तो 50 साल से थे, उस समय आप क्यों नहीं ला सके? आज तो हम 15 साल से राज कर रहे हैं, तो हम लेके आए, आप तो 50 साल से कर रहे थे। देखो हमें विधायकों से तो कुछ मिलना है नहीं, उनको तो अपना घड़ा बनना है। ऐसा जरूरी नहीं है भैया, हम ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी वो हमको कुछ दे देगी, लेकिन बीजेपी आई है, बीजेपी इतने साल राज की है, क्या हुआ आज ये जो अच्छे दिन दिखा के लोगों का रोजगार छीन लिए, दूसरी चीज़ महंगाई तो इस कदर की बढ़ा दिए, कुछ मिला यहाँ पे? देखिए एक दो लोगों करप्ट की वजह से अगर पूरा नाम आए गवर्नमेंट का तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी गवर्नमेंट भ्रष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में, मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजते ही सारी पार्टियां अपना एड़ी चोटी। मैं दीपक चौहान जी, पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बूथ प्रभारी हूं, कार्यकर्ता हूं बीजेपी का जी। मैं तो बीजेपी को ही लाना चाहूँगा क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी थे जो शुरू से ही बीजेपी में रहे और बीजेपी में ही मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बचपन से ही उसी में कार्य करता हूँ, और वहाँ से उसी क्षेत्र से जाना माना कार्य करता हूँ वहाँ पे पूर्व क्षेत्र से, और इसलिए उनके प्रति में काम कर। कमलनाथ सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि बीजेपी ने करप्शन किया, क्या लगता है आपको, क्या सही है करप्शन? नहीं, ये तो मुझे तो नहीं लगता कि क्या है, ये तो एक दूसरी पार्टी के ऊपर लगा रहता है आरोप पत्र आरोप लगाना। कई आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि जैसे व्यापम घोटाला किया, पटवारी घोटाला किया, पुलिस घोटाला किया, क्या लगता है ये? ये तो देखो एक दूसरे का काम ही है, एक दूसरे पे मतलब उसके लिए ये बात सही नहीं है क्या? हाँ ये बात सही नहीं है। बीजेपी ने बहुत सा बदलाव किया है मध्य प्रदेश में, फ्लाई ओवर का काम किया है, और इस बार टक्कर देखने को मिलेगी। हाँ इस बार बहुत ही अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी, और इस बार बहुत बहुत अच्छा चुनाव है, इस बार बहुत देखने लायक रहेगा पूर्व क्षेत्र का। बहुत आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है जबलपुर में? किसी की हवा नहीं चल रही, जनता जागरूक हो गई है, जनता खुद समझदार है, जनता जिसे चुनेगी वो अपने अनुसार चुनेगी। लगातार 17 सालों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो कैसा कार्यकाल रहा बीजेपी का? बीजेपी का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। आप खुश हैं उनके कार्यकाल? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं घोटालों को लेकर, तो इस पर क्या कहना है? भाई ये तो आप आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, एक दूसरे पे लालचन लगाते रहते हैं, जब तक सिद्ध ना हो जब तक ना तो कांग्रेस सही है ना तो बीजेपी सही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से क्या कांग्रेस पर असर पड़ेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया गए कहाँ हैं अभी? जब आए हैं तो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? वो बीजेपी पे ही रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है उनके कार्यकाल में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो बीजेपी की सरकार फिर से आ गई? देखिए क्या है, सबसे पहली बात वादा करके मुकल जाना। कौन से वादे किए? कुछ मेरे ख्याल से संविदा का कुछ मुद्दा था, संविदा कर्मचारी को नियमित करने का, उस वजह से था, और इतना तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि 5 साल हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि सत्ता चेंज होनी चाहिए, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए? मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जनता जागरूक हो गई है, जनता जो भी चाहेगी वो बदलाव लाएगी। आप भी तो जनता ही है ना सर? नहीं, एक इंसान से नहीं होता ना। आज एक इंसान से क्यों नहीं होता सर? एक ही इंसान से तो होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। हाँ जी, एक वोट से गिर गई थी, लेकिन एक व्यक्ति पूरा माहौल क्रिएट नहीं कर सकता ना। एक वोट तो मायने तो रखता है ना? नहीं मायने रखता है, लेकिन उसकी मर्जी के ऊपर है ना। तो आपकी क्या राय है सर, इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी की आना चाहिए क्योंकि अब जनता जागरूक खुद है जागरूक। हाँ। किसी को बोलने की उसमें जरूरत नहीं है। हाँ। ना ही किसी को समझाने की जरूरत है। हाँ। वो खुद ही तय करेगी बीजेपी इसका, वो तो कार्यकाल बीजेपी के तो नेता है, कार्यकर्ता है, तो आप बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे ना? हाँ उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ और उसी का काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? रोहित पटेल जी। पटेल जी क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला, किसकी लहर दिख रही है?
भैया मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या करना, मेरे को खाना मेरे को है यार भाई। नहीं तो वोट तो डालते होंगे? नहीं डालता मैं, वोट नहीं डालते। आपसे बात करेंगे जी सर। सर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले विधानसभा, जी जी, क्या लग रहा है किसकी लहर है, किसकी सत्ता आएगी? सर अभी तो वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार चली रही है और उसमें कोई दिक्कत तो हो ही नहीं रही है। हालांकि मेरे हिसाब से तो फिर से आना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी ने कई मंत्रियों को इस बार टिकट की दावेदारी विधायकी की दी है, तो क्या लगता है आपको? हाँ वो बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ये डर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सांसद वाली सीट दी है जो विधायक की, वो हराने के लिए शायद मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे सांसद जी को यहाँ से टिकट दे दिया राकेश सिंह जी को, तो क्या लगता है तरुण मनोज जी को टक्कर दे पाएंगे? वो दे पाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि मतलब भानोट जी थोड़े तगड़े प्रत्याशी दिख रहे हैं। दो बार से विधायक भी रहे जी जी जी, उनका काम जनता के प्रति अच्छा है। तो क्या कारण रहा कि बीजेपी को वहां से प्रत्याशी ना घोषित करके एक सांसद को उतारना पड़ा? अब ये वो बीजेपी की जाने, अपन तो यहाँ आम जनता। बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं आप? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, उन्होंने व्यापम घोटाला किया। अरे भैया ये सब राजनीति बातें हैं, वो तो चलते ही रहता है ये सब, अब उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है। कमलनाथ जी सही नहीं है? कमलनाथ तो अपने शुरू से कमलनाथ सही नहीं थे यहाँ पर वो तो बस एक कुछ महीने की सरकार थी, गिर गई उनकी और जो चल रही है 18 महीने की सरकार थी उनकी, लेकिन बाद में फिर बीजेपी की सरकार है। वो योजना चल रही है, लाभ मिल रहा है पब्लिक को उसमें, तो मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार ही बनना चाहिए। जनता कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में घोटाले बहुत हो रहे हैं। जनता तो ऐसी बेकूफ है जिसको नहीं मिल रहा है वो पगला रहा है। अच्छा, और बस बढ़िया है। आपसे बात करेंगे, पुरुषोत्तम सेन। सर क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीत रही? नहीं। क्या ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि बीजेपी को जिता रहे? आप लोगों को दिख नहीं रहा रोड में, बाहर कहीं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया? शिक्षा तो आज जो उससे आगे ही है। एक नेता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार, तो इस पर क्या बीजेपी खरी उतरती है? बिल्कुल बिल्कुल 100% खरी उतरेगी। कांग्रेस राज में क्या था? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि उसने घोटाले किए। वो तो देखो, वो तो सामने सबके दिख रहा है घोटाले किसने किया और किसने क्या किया। तो 2018 में कमलनाथ की सरकार यहाँ पे आई थी, तो क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल ये रहा, जो लोगों ने साइकिल छोड़ी थी चलाने के लिए, आज वो साइकिल उनको खड़ी करवा दी है। फायदा क्या हुआ? गुरंदी में आज जाके देखिए, साइकिल आज वही बिक रही है। अगर कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है तो आज के टाइम पे दिख रही है कि आज रोड पे देखो के राज में गरीबों को सब योजनाएं मिल रही, और कांग्रेस के समय में जो भी योजनाएं आती थी पंच सरपंच सचिव जेई लोग खा देते। लगातार 17 सालों से खुद मदद मिली है, और कांग्रेस राज में कभी नहीं, हमको वाजपेयी जी के समय से हम उनके साथ में हैं और उसके पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कभी कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, यहाँ बीजेपी से पहले कांग्रेस का राज रहा है 50 सालों तक, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल जैसा भी था, आज उनके चलते हमको एक चीज़ ये बेनिफिट्स है कि हम आज हमारे माँ बाप को एक अच्छे हमको वो पोस्ट पे सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो किसके राज में ले रहे हैं? आज से पहले कांग्रेस के राज में ये कभी हुआ? आप कहना चाहते हैं कि आदमी स्वतंत्र हो? बेरोजगारी की समस्या कोई भी सरकार आ जाए खत्म नहीं कर सकती। आज 1 लाख को आप रोजगार दोगे, कल 10 लाख तैयार होंगे। और मैं कहते महंगाई कहाँ की महंगाई है, उस समय 40 रुपये मजदूरी थी, आज के 2005 में 4-5 में आज इतनी मजदूरी मिल रही कि एक दिन में वो अपना राशन खरीद सकता है। योजना किसने चालू करवाई? कमलनाथ ने बंद करवाई, शिवराज ने चालू करवाई। किस लिए? इससे पहले कोई योजना थी? थी कोई योजना? सारी योजनाएं कागजों में। लेकिन कांग्रेस तो कह रही योजना हम लागू करते हैं और निर्धारण। योजना क्या चालू की थी? लाडली लक्ष्मी योजना किसने चालू की बता सकता कोई? शिवराज सिंह चौहान ने। इससे पहले क्या था? कांग्रेस कह रही है कि ये मेरे को ये बता दो, अभी तक कांग्रेस ने कौन सी योजना चालू की? कांग्रेस लगातार आपने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की मेरी भांजी पैदा हुई है, जब से मैं देख रहा हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना बेरोजगारी भत्ता आता था पहले पढ़े लिखे लड़कों के लिए, तो सचिव वगैरह खा जाते थे, आधा ही मिलता था। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही बीजेपी पर कि ये लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली आवास योजना, लाडली बहन योजना, ये चुनाव टाइम पे ही क्यों नहीं आई जब 5 साल की थी? ठीक है, लेकिन लागू कब हुई है ये बताइए, किसके राज में लागू? मैं ये नहीं कह रहा, उनका कहना है कि यदि ये योजना जब लानी थी तो पहले क्यों नहीं लाए? तो आप तो 50 साल से थे, उस समय आप क्यों नहीं ला सके? आज तो हम 15 साल से राज कर रहे हैं तो हम लेके आए, आप तो 50 साल से कर रहे थे, मतलब बदलाव नहीं। लेकिन
बदलाव क्यों नहीं चाहते? जो काम कर रहा है उसको वोट मिलेगी, जो काम करेगा उसको काम मिलेगा। अब आप काम ही नहीं करना चाहते तो आपको हम काम देके करेंगे क्या? चाहते तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान अब वापस वापस आए। कहीं ना कहीं ये डर बीजेपी के अंदर है कि आप सात विधायकों को टक्कर नहीं दे पाएंगे। देखो हमें विधायकों से तो कुछ मिलना है नहीं, उनको तो अपना घड़ा बनना है। जैसे पहले था रूढ़िवादी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस आज भी है, ऐसे अब बीजेपी के लोग हैं कि बीजेपी मतलब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का काम दिख रहा है, बीजेपी सबका भला कर रही है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बीजेपी चाहते हैं, आना चाहिए। मतलब सीधा सा कहना है कि बीजेपी का, हाँ बीजेपी आना चाहिए। बाकी अगर जनता पलटती है तो उसकी गलती है, वो खुद अपने गिरेबान में झांके देखे कि कांग्रेस के समय में हमको कितनी मदद मिली है और बीजेपी के समय हमको कितनी मदद मिली है। बीजेपी तब आना चाहिए, मेरा कहना ये है बीजेपी तब आना चाहिए अगर मान लो ये जो अपना पेट्रोल डीजल गैस ये सब जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये सब के रेट आप अच्छे दिन दिखा के जो बढ़ाए हो ये अगर बदल जाए, अगर बीजेपी की सरकार आ रही तो कोई इशू नहीं है। अगर ये सब चीज़ बदल सकती मतलब महंगाई कम हो जाती है, महंगाई कम तो अब क्या कम होगी? अब तो विधानसभा चुनाव हो गए, अब तो निर्णय होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, अब क्या बदलाव होगा? कांग्रेस ही आना चाहिए अपने हिसाब से तो, बस कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये जो जितने भी बदलाव है उसके आने पर ही चेंज होंगे, क्योंकि ये अच्छी तो उनकी 18 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, तो क्या बदलाव हुए? 18 महीने की थी ना यहाँ पे बॉस, लेकिन 18 महीने में अब पता नहीं क्या कैसा इशू हुआ, वो ऊपर वाले ही जानेंगे। तो है क्या कारण रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया? किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिराज उसका नहीं पता बॉस अपन को, कोई इशू उन्हीं के जाने के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी थी, 18 महीने की सरकार थी, उन्हीं के जाने के कारण 22 विधायक को लेकर चले गए थे तब जाके। अगर ये महंगाई भत्ता चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है बॉस, कहीं ऐसा फिर से तो नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कमलनाथ की सरकार आती है, फिर से वो विधायक लेके कोई बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है, ऐसा नहीं तो हो सकता है यार भाई? ये चुनाव समझ तो रहे हो, बहुत सी चीजें इसमें, मतलब आप संतुष्ट नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्या करते हो आप? मैं आज SBI क्रेडिट कार्ड में काम कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड में काम करते हो? कितनी सैलरी आपको? मैक्सिमम 10,000। पढ़ाई किया आपने? हाँ। अप्लाई वगैरह नहीं किया कहीं? बहुत जगह अप्लाई किए, नहीं हो पाता। तो कमलनाथ सरकार में मिल जाएगा रोजगार? ऐसा जरूरी नहीं है भैया, हम ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी वो हमको कुछ दे देगी। हाँ। लेकिन बीजेपी आई है, बीजेपी इतने साल राज की है। हाँ। क्या हुआ आज ये जो अच्छे दिन दिखा के लोगों का रोजगार छीन लिए, दूसरी चीज महंगाई तो इस कदर की बढ़ा दिए। हाँ। कुछ मिला यहाँ पे? तो आपका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देश में कि केवल मध्य प्रदेश में? प्रदेश ही में होना चाहिए, देश में भी होना चाहिए। मोदी सरकार से खुश है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश। उनका कौन सा कार्यकाल दुखद घटना देता है? ये जो अब महंगाई जो जितनी बढ़ी है, प्लस गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, प्लस पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, ये सब में बदलाव होना चाहिए। कई योजनाएं भी तो लाई, लाडली लक्ष्मी योजना लाई, लाडली आवास योजना लाई, माना लाडली बहन योजना आई। हाँ। ये जो आधार वेरीफाइड होकर लोगों को लाडली बहन योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, उसमें आधार वेरीफाइड क्यों हो रहा है आजकल? आपका क्या, आप क्या सोचते हो? कोई मानता है कि आधार एक अपना ऐसा बेसिक चीज हो जाता है जो बैंक से अपना रजिस्टर्ड रहता है, इससे फ्रॉड भी हो सकता है, तो अपन कैसे कर इसमें वो? तो इससे तो महिलाओं को अच्छा साधन मिल रहा है ना, कम से कम उनके खाते में पैसे आ रहे हैं लगातार। भैया लाइन लग के कौन सा ऐसा साधन होता है? अब तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लाइन लग, अरे बैंक अकाउंट में आ, पहले तो लाइन लगवा रहे हो तुम, लाइन क्यों लगवाओ? आपका कहना है कि लाइन मत लगवाओ? हाँ, साधन दे रहे हो तो अच्छा दो ना। वो तो एक वो तो शासन की एक कार्य प्रणाली होती है ना। अरे शासन भैया, शासन के नाम पे खेल है भ्रष्टाचार है, और कुछ नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार कर, बस भ्रष्टाचार कर रही है भैया। ठीक है, थैंक यू। आपसे बात करेंगे भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन कुमार जाटा। भैया किसकी लहर दिख रही है? हमें तो बीजेपी की लहर दिख रही है। जी खुश है बीजेपी के कार्यकर्ता? जी सर बिल्कुल संतुष्ट है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब कांग्रेस की सरकार आने के कोई उम्मीद नहीं है? नहीं सर, अब देखिए वो इलेक्शन है, क्या इफेक्ट पड़ता है, रुझान किस तरफ है, तभी वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन बीजेपी का हमें लग रहा है, बीजेपी ने काम किया है? हाँ ऑफकोर्स किया है सर। बीजेपी पे कई आरोप लग रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार कर रही है, व्यापम घोटाला किया, पटवारी परीक्षा घोटाला किया, पुलिस घोटाला किया। नहीं सर, पटवारी का मानते हैं, पटवारी का घोटाला हुआ वो तो अपना काफी टाइम पहले घोटाला हुआ था, लेकिन पुलिस का भी पेपर व्यापम का हुआ है और पुलिस का हुआ, MP पुलिस का, उसमें हुआ है करप्शन कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का। सर देखिए, एक दो लोग करप्ट की वजह से अगर पूरा नाम आए गवर्नमेंट का तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी गवर्नमेंट भ्रष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कमलनाथ सरकार में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो उनकी सरकार में नहीं? सर देखिए, अब उनकी सरकार में ऐसी कमी, वो गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम चली नहीं तो इतना तो अपन बता नहीं सकते कि क्या करप्ट हुआ है।
नहीं तो बीजेपी की 17 साल से यहाँ पे सरकार है, इसके पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसा कार्यकाल रहा? नहीं, कांग्रेस का कार्यकाल सरकार में क्या चेंज दिखा? कांग्रेस की कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी थे तो उनके में उतना सेटिस्फाई नहीं रहे, उनका अच्छा नहीं रहा कार्यकाल, पूरी पब्लिक को पता है सही नहीं रहा है कार्यकाल। तो क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी तो ये क्लियर नहीं किया है पार्टी ने कि कौन चेहरा रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब देखिए रिजल्ट अगर आते हैं तो क्या होता है और कौन। शिवराज सरकार से खुश है? हाँ, शिवराज सरकार से ठीक है सर, खुश है। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लायक है फिर से? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लायक है। अच्छा चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जबलपुर में कुछ लोगों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनका रुझान किस तरफ है। तो हालांकि कई लोग तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग कांग्रेस की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ कमियां हैं खासियत भी हैं। तो ये तो बात की बात है कौन जीतेगा चुनाव और किसको सत्ता मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।